अप्रैल का महीना यानी कुछ शहरों में चिलचिलाती धूप तो कहीं सुहाना मौसम। अगर आप यूपी, दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, फिर तो आपके लिए अप्रैल मतलब चिलचिलाती गर्मी, धूप और पसीना ही है। ऐसी गर्मी में पहाड़ों की खूब याद आती है। जैसे ही छुट्टियां पड़ती हैं, हर कोई बस ठंडी जगह की तलाश में लग जाता है। ऐसे में अगर आप भी चाहें तो अपने दोस्तों या परिवार के साथ किसी ठंडी सुहानी जगह पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज हम आपके लिए 5 ऐसी ही जगहों की लिस्ट लेकर आए हैं जहां आप अपने गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। मनाली। इन दिनों जिसे देखो वो मनाली घूमने निकल पड़ता है। इसके पीछे का कारण कुछ बॉलीवुड का क्रेज है तो कुछ मनाली की बर्फीली वादियां। अप्रैल के महीने में मनाली का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ऐसे में यहां जाकर हिडिम्बा देवी, जोगिनी फॉल्स, सोलांग वैली। इसके बाद दूसरी लिस्ट में आता है मसूरी। देहरादून से 1.5-2 घंटे की दूरी पर मसूरी है। ये जगह गर्मियों के लिए बेस्ट है। मसूरी में पहाड़ है, शिल्पकारी का अनूठा नमूना पेश करने वाली इमारतें हैं और टाइम पास करने के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं। यहाँ आप केवल कार राइड कर सकते हैं, परिवार के साथ केम्प्टी फॉल जा सकते हैं, लाल टिब्बा घूम सकते हैं और ऊंट की सवारी का आनंद भी उठा सकते हैं। इसके बाद आता है ऊटी। तमिलनाडु में बसा है ऊटी। इस पहाड़ी शहर में अप्रैल महीने में तापमान 22 डिग्री से अधिकतम 27 डिग्री तक रहता है। ऐसे में यहाँ बिना सर्दी या गर्मी की चिंता किए बड़े आराम से घूमा जा सकता है। ऊटी के नज़ारे आपके दिल ना जीत ले तो कहिएगा। अगला नंबर है डलहौजी। हिमाचल घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। अगर आप अप्रैल के महीने में यहाँ घूमने जा रहे हैं तब तो आपको डलहौजी जाना ही चाहिए। डलहौजी असल में किसी जन्नत से कम नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, मनमोहक झील, झरने चंद मिनटों में आपको दीवाना बना देंगे। डलहौजी में आप खजियार, सतधारा, झरना चंबा, पंचपुला जैसी जगहों पर जा सकते हैं। इसके बाद लास्ट है पहलगाम। किसी ठंडी जगह पर घूमने की बात आए और जम्मू कश्मीर का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गर्मियों के मौसम में यहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, इसलिए अप्रैल का महीना घूमने के लिए अच्छा है। यहाँ मौजूद हरियाली, झील, झरने और नज़ारे आपको चंद मिनटों में दीवाना बना देंगे। तो देर किस बात की, बनाइए प्लान और निकल जाइए ट्रिप पे। और आपका अनुभव कैसा रहा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।